गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज है 18 दिसंबर और आज के इस सेशन में 18 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। किस स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक को 18 दिसंबर यानी कि आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका नाम है INS मोर्मुगाव, याद रखेंगे आप सभी, जिसे भारतीय नौसेना में यानी कि इंडियन नेवी में इसे शामिल किया जाएगा आज 18 दिसंबर को। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि INS विक्रांत। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत है। ध्रुव के बारे में आपको याद रखना है कि मिसाइल ट्रेकिंग जहाज, भारत का जो मिसाइल ट्रेकिंग जहाज है पहला, उसका नाम क्या है? INS ध्रुव है। INS संध्याक क्या है? तो INS संध्याक याद रखेंगे, ये भारत का एक सर्वेक्षण पोत है। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करें इस INS के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है, पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फ्रेंड्स इसका जो निर्माण है वो मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्क्वाड 2 में किसने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इसका नाम याद रखेंगे, INS त्रिकंद ने भाग लिया था इसमें। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं, INS विक्रांत है। INS सिंधु ध्वज को देश की कितनी सालों की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 सालों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS सिंधु ध्वज को। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से 2 मेड इन इंडिया युद्ध पोत INS सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया था? तो ये दोनों पोत जो लॉन्च किए गए थे वो मुंबई महाराष्ट्र से किए गए थे। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 5 पनडुब्बियां कौन सी हैं? तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये 5 पनडुब्बियां कौन सी हैं? कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, बेला है और बागीर है। छठवीं पनडुब्बी कौन सी है? उस पनडुब्बी का नाम आप सभी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। INS बागसीर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो INS बागसीर है ना, इसका नाम हिंद महासागर की गहराई में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है और ये ही छठवीं पनडुब्बी है। फ्रेंड्स किस देश के सहयोग से इन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से ये पनडुब्बियां बनाई गई हैं। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो INS विराट को जाना जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो INS विराट है ना, इसे किस देश से लिया गया है? INS विराट को किस देश से लिया गया है? अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि 2032 ओलंपिक आयोजन समिति का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2032 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। इसकी जो CEO नियुक्त की गई है, इनका नाम है सिंडी हुक, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर टेड्रोस, तो ये वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं। थॉमस वाच, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख हैं। इंद्रमीत गिल, इन्हें मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक में। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं, देखिए ब्रिस्बेन 2032 यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक होने वाले हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एंड्रू लिबेरिस। तो नाम भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ओलंपिक की मेजबानी कब कब कर चुका है?
1956 और 2000 में. 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और 2000 में सिडनी में ओलंपिक का आयोजन किया गया था. अब डिस्कस कर लेते हैं ओलंपिक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं. तो देखिए, ग्रीष्मकालीन से आपको याद रखना है 2024 पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 लॉस एंजल यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले हैं, है ना. 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा. शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इटली के मिनालो और कोर्टिनिना शहर में 2026 में संयुक्त रूप से ये ओलंपिक होने वाले हैं. कौन से? शीतकालीन, ठीक है. युवा ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो युवा ओलंपिक 2024 में गैंगबोंग दक्षिण कोरिया में होंगे, जबकि 2026 में डकार सेनेगल में इनका आयोजन किया जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये आगामी ओलंपिक गेम है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है. डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में. तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है और ये लुसानी स्विट्जरलैंड में है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है थॉमस बार. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना की गई थी वो 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में की गई थी. तो ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में 3 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं. अगला सवाल है कि भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 16वें संस्करण यानी कि सूर्य किरण का जो 16वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है. तो फ्रेंड्स, सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन हो रहा है सलझंडी में. अब ये सलझंडी कहाँ पर आता है, तो याद रखेंगे नेपाल में इसे आयोजित किया जा रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि 15वां जो संस्करण हुआ था सूर्य किरण का, ये कहां पर हुआ था, तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जबकि इस बार का जो 16वां संस्करण है ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है. उत्तराखंड में 15वां संस्करण जो हुआ था ये पिथौरागढ़ में हुआ था, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना है. डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, ये है नेपाल. नेपाल से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला सवाल याद रखेंगे कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है. भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है, तो यहाँ आप देखेंगे ये है उत्तराखंड. उत्तराखंड के बाद याद रखेंगे उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बाद आपको याद रखना है बिहार. बिहार के बाद आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम आपको याद रखना है. कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो कि ऊंची पर्वत चोटी है, ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है. माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना में स्थित है, ठीक है. माउंट एवरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं नेपाल में, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है. नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू से आप सभी को याद रखना है सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, है ना. कहाँ पर है, काठमांडू में है. अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत की जो नेपाल से सीमा लगती है इसकी सुरक्षा कौन करता है, कौन सा फोर्स यहाँ पर तैनात है, ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे. आगे बढ़ते हैं. हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है. तो फ्रेंड्स, ये जो ईयर अवार्ड है ना, ये किसे दिया गया है, स्पाइस जेट को दिया गया है. किसे दिया गया है, तो याद रखेंगे स्पाइस जेट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, है ना. देखिये, यह अवार्ड उस एयरलाइंस को दिया जाता है जो सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और इस बार का स्पाइस जेट को दिया गया है. आगे डिस्कस कर लेते हैं कि खबरों में रहा देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है. तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये झारखंड में है. कहाँ पर? झारखंड. हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है, महाराजा अग्रज सेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा. भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसे हम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में. ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो कि सुर्खियों में रहा था, ये महाराष्ट्र में है. अगला सवाल है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्कैप
टनल की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इस टनल की जो लंबाई है ना वो 12.89 किलोमीटर है। तो लंबाई याद रखेंगे आप सभी इस टनल के बारे में। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टनल के बारे में जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अटल रोड टनल ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है और सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है ये, है ना। पीर पांजाल रेलवे सुरंग ये कहां पर आती है? जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग ये भी जम्मू कश्मीर में है। त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल ये कहां पर है? केरल में। बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। संगलदान रेलवे सुरंग ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये भी आपकी आती है जम्मू कश्मीर में। अब करेंगे पूरे वीक का रिवीजन, आप सभी आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स ये कहां के नए सीएम बन गए हैं? तो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे केरल में किया गया है। अगला सवाल है कि महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किसने छापा है? तो फ्रेंड्स महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो पहला बैंक नोट है ना ये अमेरिका ने छापा है। किसने छापा है? तो अमेरिका ने इसे छापा है। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला, जो कि भारतीय मूल की है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है वो है तमिलनाडु, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका बीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहां पर शिक्षिका हैं जिनका नाम है बीना नायर और ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिगई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो उत्सव है ना ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहां पर? तमिलनाडु। अगला सवाल है कि 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है ईशान किशन, इनके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये लगातार दूसरी बार गोवा कहां के गुजरात के सीएम बने हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है फॉरवर्ड एडन हजार्ड इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है? तो ये बेल्जियम के काफी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसे नेपाल में आयोजित किया गया है। निम्न में से कहां पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में रखा गया है? तो ये जो तीनों प्रजातियां हैं ये कहां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स याद रखेंगे हिमालय में ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी लॉन्चिंग की है। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालवीय मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर है ना भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा किए गए हैं। अगला सवाल देखेंगे कि केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में V20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये कहां के
किस कंपनी के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, तो ये टाटा सन्स के हैं फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल है कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्ति को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की है, तो ये जो भागीदारी की गई है ना, एक्सिस बैंक के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है, 2026 तक के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विस्तार कर दिया गया है। निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च की है, तो फ्रेंड्स इस टूल किट के बारे में आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इस टूल किट को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा। हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो फ्रेंड्स हाइपरसोनिक जो व्हीकल है इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, तो फ्रेंड्स ये प्रतिबंध लगाया गया है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। केरल में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है, तो फोकस कंट्री है सर्बिया। कौन सी है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सर्बिया है। पहला इंडिया ग्लोबल फोरम कहां पर हुआ है, तो इसे दुबई में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एल जयशंकर जी के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये जो मेला है ना 197 जिलों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म को 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, तो इस फिल्म का नाम है RRR। इस फिल्म के बारे में आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि काफी अवार्ड अभी तक ये फिल्म जीत चुकी है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का दिन 2022 ये कहाँ पर शुरू हुआ है, उमरोई। उमरोई कहाँ पर आता है, तो फ्रेंड्स ये मेघालय में आता है। अगला सवाल है कि भारत को किस देश से राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला है, तो राफेल किस देश का है, राफेल है फ्रांस का। उग्र प्रदर्शन के बीच किस देश की सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है, तो ये जो घोषणा है ना ये पेरू गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाएगा, तो ये होगा भोपाल मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। और ये कब होगा, जनवरी 2023 में होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो ये जो प्रतिमा है ना वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बाइडन। अगला सवाल देखेंगे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, तो ये जो प्रस्ताव है ना जम्मू कश्मीर द्वारा दिया गया है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम है जॉस बटलर, याद रखेंगे आप सभी, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसे लॉन्च किया है मारुति सुजुकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है, तो फ्रेंड्स कल की क्लास में ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा से इसका परीक्षण उस समय किया गया जब चीन के साथ कहां पर विवाद चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, उसी के बाद फिर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया था। ये कल की क्लास में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसे आप सही कर लेंगे, बाकी PDF में इसे सही कर दिया गया था।
अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो G7 ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ईरान को कर दिया गया है। किसे कर दिया गया है? तो याद रखेंगे ईरान को कर दिया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर जर्मनी फरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स 18 दिसंबर के करेंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करेंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।